हे गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम बैक टू चिकू मिकू फैमिली। तो अब हम आ चुके हैं। ये देखो इन सब की हालत क्या हो गई है, सब लेट चुके हैं। होटल में रुकने, गेस्ट हाउस है, छोटा गेस्ट हाउस है छोटा सा। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा गाइस। ये देखिए, हम लोग धर्मशाला में आए हैं एंड हमने यहाँ पे होटल लिया है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा होटल है एंड हमने यहाँ पे लिया है होटल। शूट अ व्यू फ्रॉम बालकनी। देख हमने मतलब एंड यहाँ पे ये मिरर भी है, देख सकते हैं आप लोग। एंड आगे जैसे कि ये चीकू और अजीत का कमरा है एंड आगे हमारा कमरा। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे बड़ा गेट है एंड यहाँ पे छोटा गेट है। आपको बालकनी ना तो अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा, आपको सब अच्छे से दिखाई। रूम वो रहा, एक ये है, ये इनका रूम है, वो हमारा रूम है छोटा सा, बीच में ही पार्टीशन था। तो ये फैमिली रूम कह रहे थे कि फैमिली रूम है, तो हमें सिर्फ रात रात को सोना है तो इसलिए हमने ये रूम ले लिया। सुबह हम निकल जाएंगे घूमने के लिए रेडी वेडी होके। लेकिन एक एक वॉशरूम में यार टाइम लगेगा नहाने धोने में। हम लोग तो डलहौजी और खजियार जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी वो। और अब हम आए हैं धर्मशाला, यहाँ का भी थोड़ा सा हम घूमेंगे फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चिकू मिकू फैमिली। सो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, हम आपको दिखाने के लिए आए हैं बाहर बालकनी में हमारे गेस्ट हाउस का व्यू। ये देखिए भाई क्या व्यू है, वो जो है जहाँ पे दूंगा ऑर्डर है उससे पहले स्टेडियम है, आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैच होता है, धर्मशाला है भाई। अभी तक का सबसे बेस्ट व्यू आया है ये ना हमारे होटल रूम से। कौन से मंदिर जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं? देखो व्यू ले ले, ले ले व्यू, ले ले कलेक्ट कर ले व्यू। गुड मॉर्निंग चिकू, गुड मॉर्निंग। आ जाओ बाहर आ जाओ। गुड मॉर्निंग, चलो से गुड मॉर्निंग डैडी। पापा की परी आ गई। तो गाइस अभी चिकू आ चुकी है, अब हम उसको उठा के आ जाएंगे। और आंधे भाई अब बालकनी कैसी है? हे साथ मेरे तो चलिए चलते हैं फिर घूमने के। तो हम निकल रहे हैं, सब जा चुके हैं, मैं और एंजल रह गए हैं। तो अब हम रेडी होकर निकल रहे हैं यहाँ की मैक्लोडगंज मार्केट को एक्सप्लोर करने और फेमस दलाई लामा टेम्पल को देखने के लिए। सो अब निकल चुके हैं हम मैक्लोडगंज के लिए। यहाँ पे कोई मैक्लोडगंज मार्केट है धर्मशाला में, तो हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सारे उल्टी तो नहीं आ रही, चलिए चलते हैं आपको दिखाएंगे आगे। मैक्लोडगंज की मार्केट की तरफ जाते समय आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे, तो हमने भी बहुत एंजॉय किया व्यूज को। मैक्लोडगंज जाने से पहले 2 किलोमीटर पहले ही आपको एक चर्च मिलेगा जिसका नाम है सेंट जॉन चर्च। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे स्टे किया और रुके हम चर्च देखने के लिए। चले हम माताजी टेंपल। माताजी टेंपल नहीं है, चर्च है। ये क्या है? चर्च टेंपल इज दिस? यस,
Whose temple is this? Christian temple. Jesus. Jesus. What? Jesus house. Daddy, daddy, Jesus house. और अब हम चर्च में एंटर कर चुके हैं। ये काफ़ी पुराना चर्च है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि हम सबका ये फर्स्ट टाइम है किसी भी चर्च को अंदर से देखने के लिए। सो अब हम यहाँ चर्च से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि चीकू बहुत शोर कर रही थी अंदर, और आपको तो पता है चर्च में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हम लोग थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। सो चर्च से बाहर आते ही हमें सामने एक इको पार्क दिखा, तो बच्चे बहुत ज़िद करने लगे पार्क में जाने के लिए, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि चलो पार्क में चलते हैं। उसका पार्क का नाम था इको पार्क बनॉय। तो हम लोगों ने एंटर किया और वो काफ़ी एडवेंचरस था और काफ़ी अच्छा था, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा था। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मैक्लोडगंज मार्केट की तरफ। मैक्लोडगंज पहुंचने पर आपको दो पार्किंग मिलेंगी, एक तो एंटर करते ही मिलेगी और दूसरी मंदिर के पास मिलेगी। तो हमने अपनी कार मंदिर के पास वाली पार्किंग में लगाई और मंदिर तक पैदल चलकर गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी और बहुत सारी एंटिक शॉप्स थी, क्लोथिंग शॉप थी। जो नीचे से बिल्कुल नीचे से आती है और 10 मिनट में पहुँचा देती है ऊपर मंदिर के पास ही। लेकिन हम लोग तो गाड़ी से आए थे, हम लोग को स्टे भी करना था इसलिए हम फिर ऊपर ही आ गए। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है नीचे बेसमेंट में। ये मैडम जूस पी रही है अपना। सब लोग जा चुके हैं आगे, हम लोग भी जा रहे हैं। यहाँ हम लोग मंदिर के गेट से एंटर कर चुके हैं, ये मंदिर की बाउंड्री शुरू हो चुकी है। तो मंदिर के पास एक शॉप है, यहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी घर के डेकोर के लिए, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आपको मिल जाएंगे। हमने वहाँ से ली थी धूप स्टिक, जो हमें बहुत महंगी पड़ी चलो कोई नहीं, वो हमें पड़ी थी 650 रुपये की, पर उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शॉप के अंदर भी उन्होंने वही फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, तो वो बाहर तक उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतनी अच्छी थी। की चेन कितने के? कितना? 350। 350। 650। We got this 650। चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। और यहाँ हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं, एक अलग ही एनवायरनमेंट है यहाँ का और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। और ये प्रेयर व्हील्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, वैसे इनकी बहुत मान्यता है बुद्धिज्म में, इन व्हील्स पर प्रेयर्स लिखी होती हैं जिसे रोटेट करने से आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट की जाती हैं। और यहाँ आदमी का ने भी उसको रोटेट करके अपनी प्रेयर पूरी की।
कर रहे हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको सामने राइट हैंड साइड पे आपको एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखेगी बुद्ध भगवान की, जिन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एक अलग ही वाइब है यहाँ की। Look, how do that? तो गाइस हम ये दलाई लामा टेम्पल में हैं। इतना सुकून है यार यहाँ पे, इतनी शांति है और इतनी साफ सफाई है। हम लोग नीचे ही बैठे हैं। चीकू कैसा लगा आपको? You like to come here? Yes. कंट्री में आ गए हो? Now where are we going now? We are going to the waterfall. No. No. Go, अच्छा go. Go. You go alone. हमने भी टेम्पल भी देख लिया है, बहुत अच्छा टेम्पल था। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? वाटरफॉल। यहाँ पे कोई वाटरफॉल है हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। वहीं पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर निकल जाएंगे, घर के लिए निकलेंगे क्योंकि हमारे पास आज का ही दिन है जाने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के, वैसे है अच्छी जगह ये भी, डलहौजी भी अच्छी जगह थी, मतलब जहाँ पे हम लास्ट ब्लॉग में थे। और ये भी बहुत सुंदर जगह है, ये देखिए मेरे पीछे पहाड़। पहाड़ों में तो अलग ही मज़ा आता है, कितना सुंदर है। भैया कितने गए? तो अब गाड़ी निकल चुकी है भागसो वाटरफॉल के लिए। हम यहाँ वाटरफॉल जा रहे हैं, भगसू वाटरफॉल, देखते हैं कैसा है ये। मसूरी वाला तो बड़ा रश होता है यार वहाँ पे, तो हम लोग पहली बार आ रहे हैं। अब देखो कैसा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो वन वे है ना, तो ये ट्रैफिक हो जाता है। वाटरफॉल की तरफ जाते समय आपको ये मार्केट भी मिलेगी, मतलब वाटरफॉल से पहले जैसे मसूरी में मार्केट है ना, ऐसे ही इस वाले वाटरफॉल के पहले भी मार्केट है बहुत बड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो डैडी डैडी आगे चलेंगे, डैडी से लेंगे ना पैसे, तब लेंगे। चीकू सब चले जाएंगे आगे, फिर हम रह जाएंगे। मैं तो जा रही हूँ, पहले नहाने चलेंगे, पहले वाटरफॉल देखेंगे फिर लेंगे, ठीक है। सो वाटरफॉल की तरफ जाने से पहले आपको ये मंदिर मिलेगा, ये है भागसो नाग मंदिर, ये भी बहुत पुराना मंदिर है।
सो ये है वो वाटरफॉल, भागसू वाटरफॉल। हमें लगा यहीं मतलब मंदिर के आसपास ही होगा वाटरफॉल, पर ये 1-2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ता है इसके पास। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग ट्रैक नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस दिल्ली। टाइम हो रहा है 3 या 4 के आसपास, तो अभी हम लोगों की ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रही है, मतलब हम लोग अब वापस जा रहे हैं। और हम लोगों की हालत हो चुकी थी बहुत टाइट, हम थक चुके थे, तो सबकी शक्लें उतरी हुई हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं कांगड़ा, और यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। और यहाँ पे देखो कुश्ती भी हो रही है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे खाने पीने के, तो हमने यहाँ से ली जलेबी, गरम गरम जलेबी, तो सब लोगों ने बहुत ही मज़े से इंजॉय की। तो गाइस हम लोग रुके हैं कांगड़ा में, हमारी गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो दिखाते हैं गाड़ी, गाड़ी दिखाते हैं गाड़ी को क्या हो गया। ये देखो ये हमारी गाड़ी, ये उठा चुके हैं गाड़ी को, क्या प्रॉब्लम आई है? हाँ ये आवाज आ रही है, चिकू डांस। पेट्रोली है ये दुकान है, कार रिपेयरिंग की शॉप है, रिपेयरिंग की शॉप है। हमारे कार के ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो वो ठीक कर रहे हैं भैया, मतलब अभी तो चेक कर रहे हैं टायर वायर निकाल के कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो बोल देती मैं इसमें है ना, कोई नूडल्स पिलाया ना, शेक पिलाया, ओरियो शेक भी नहीं पिलाया, और क्या नहीं कराया, फाउंटेन के पास लेके गए, वाटरफॉल के पास वहाँ लेके गए, वहाँ लेके नहीं गए ऊपर। यार पता कितना ट्रैक करके जाना पड़ रहा था वहाँ पे, पैदल पैदल तुम लोग की हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ऊपर था वो, और वहाँ पे जाने का कोई साधन भी नहीं था, पैदल पैदल ही जाना था। रिपेयर कराने के बाद हम लोग निकल चुके थे आगे के लिए, तो हमें रास्ते में मिला बगलामुखी मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कार रोकी और हमने सोचा कि माता के दर्शन करके चलते हैं क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है, तो इससे पहले हम माता के दर्शन कर लेते हैं। नहीं कर पाएगी। यहाँ मंदिर के अंदर बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, मतलब जिनको जो मान्यता चाहिए होती है, मतलब जो मांगते हैं उसके लिए यज्ञ करवाते हैं, तो ये देखिए कितने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। सो ये है माता के गर्भ गुफा के बाहर का दृश्य, तो अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम लोगों ने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है, तो अब हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, हमने बहुत अच्छे दर्शन किए और अब हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं। तो
ये है चंडीगढ़ और मोहाली वाला रूट। आई थिंक हम लोग पहली बार इधर की तरफ ही गए हैं। हम लोगों ने जो भी किया है वो फर्स्ट टाइम ही किया है, पर ये बहुत ही अच्छा था। मतलब यहाँ पे कितना डेवलप हो चुका है ये, और मेरे को फॉरेन कंट्री लग रहा था मुझे तो। पहली बार गई हूँ चंडीगढ़ की तरफ तो बहुत अच्छा था ये एक्सपीरियंस। सो अब हम अम्बाला पहुँच चुके हैं, यहाँ से तो हमारा सीधा सीधा रूट है। तो ये बस यही था हमारा दो दिन का छोटा सा ट्रिप। होप आप लोगों ने ये दोनों ब्लॉग इन्जॉय किए होंगे। इन्जॉय किए होंगे तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।